हिजाब का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार कर्नाटक से हिजाब गर्ल नाम से मशहूर हुई इस छात्रा को लेकर नहीं, बल्कि विवाद कर्नाटक की ही एक दूसरी लड़की को लेकर है, जो कि पेशे से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हुआ क्या है, सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल ईरान में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं। अधिकारों के लिए महिलाएं बीते 5 महीनों से सड़कों पर हैं। इस बीच ईरान में खेले गए फज्र इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय महिला खिलाड़ी तान्या हेमंत को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। तान्या ने टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, लेकिन हिजाब पहनने के बाद ही उन्हें ये मेडल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक की रहने वाली तान्या इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए ईरान गई थी, जहां उन्होंने फाइनल में गत विजेता और हम वतन खिलाड़ी तस्नीम मीर को मात दी। इस जीत के साथ उन्होंने महिला सिंगल्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, लेकिन स्वर्ण पदक जीतने के बाद जहां खुशी से उन्हें मेडल मिलना चाहिए था, वहीं इस बीच उनके सामने एक अनोखी शर्त रख दी गई। आयोजकों ने उनसे सीधे तौर पर कह दिया कि जब तक आप हिजाब नहीं पहनेंगी आपको मेडल नहीं मिलेगा। हालांकि तान्या ने उनकी बात मान ली और इसके बाद हिजाब पहनकर उन्होंने पोडियम पर जाकर अपना मेडल लिया। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आयोजकों ने साफ तौर पर यह कहा था कि पदक जीतने वाली महिलाओं को हर हाल में हिजाब पहनना होगा। हालांकि इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि रूल बुक में ड्रेस कोड का कोई जिक्र नहीं था। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि टूर्नामेंट के नियमों में ड्रेस कोड को लेकर जो बात कही गई थी वो आम कपड़े थे। दुनिया भर में जहां भी बैडमिंटन खेला जाता है वहां विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा निर्धारित किए गए कपड़े पहने जाते हैं। हालांकि हम जानते थे कि ईरान में महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर हिजाब पहनना जरूरी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में हिजाब पहनने को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई थी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस टूर्नामेंट के दौरान महिला खिलाड़ियों को अपने मैच के दौरान हिजाब पहनने जैसी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन हाँ, मैच के दौरान किसी भी पुरुष का स्टेडियम में प्रवेश वर्जित रखा गया था, यानी कोई भी पुरुष महिलाओं को खेलते हुए नहीं देख सकता। इसको लेकर स्टेडियम के गेट पर एक स्टिकर भी लगाया गया था। इस स्टिकर में लिखा हुआ था कि पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। यही नहीं, महिला खिलाड़ियों के पुरुष कोच और फिर उनके पिता को भी स्टेडियम में एंट्री नहीं दी गई। इन तमाम बातों के बीच एक और दिलचस्प बात यह हुई कि टूर्नामेंट में पहली बार मिक्स्ड डबल्स को भी शामिल किया गया, जिसमें महिला और पुरुष एक टीम की तरह एक साथ खेलते हैं। हालांकि मिश्रित युगल वाले इस मैच में दर्शक के तौर पर केवल महिलाओं को ही एंट्री दी गई। यही नहीं, टूर्नामेंट के जिन मैचों में महिलाएं भाग ले रही थी वहां रेफरी से लेकर सभी छोटे बड़े अधिकारी महिलाएं ही थी। बहरहाल तान्या ने मुस्लिम न होते हुए भी उनकी बात मान ली, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से दुनिया के सामने इस्लामिक कट्टरवाद की सोच को उजागर कर दिया है, और वो भी ऐसे दौर में जब ईरान अपने खुद के लोगों के सामने ही हिजाब को लेकर इसका धुर विरोध झेल रहा है।